अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते वर्षों से थाना राया क्षेत्र में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए चार शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। यह है मामला। थाना राया क्षेत्र के नगला चिकन में पुलिस को लंबे समय से अवैध शराब फैक्ट्री संचालन की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना राया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात आदित्य कुमार शुक्ला ने बताया कि राया थाना पुलिस ने अच्छा वर्क आउट किया है। एक अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री का खुलासा इन लोगों ने किया है। शराब फैक्ट्री से चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें गंभीर पुत्र कृपाल सिंह निवासी नगला चिकन, रिंकू पुत्र बाला स्वरूप निवासी ककरेटिया, मुकेश पुत्र दुर्गपाल निवासी नगला चिकन और अमित पुत्र लटूरी निवासी नगरिया शेरनी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। दो अभियुक्त विष्णु पुत्र लटूरी निवासी नगरिया शेरनी और पंकज पुत्र नेत्रपाल निवासी राधिका धाम कॉलोनी जी की फरार है। उनके लिए टीम गठन कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। एसपी देहात ने बताया कि फैक्ट्री से 45 पेटी देशी शराब, पेटी हरियाणा मार्का पब्बे रैपर गुड मॉर्निंग लीटर स्प्रिट और 6500 खाली क्वार्टर बरामद किए हैं। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। Yeah.